मैं ये बताना चाहती हूँ कि समाज में पैरेलल लीडरशिप कितनी कितनी खतरनाक होती है। मतलब अगर आपको पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट चाहिए या फिर स्टैंड होना है, तो आप राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी जहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड हमको नहीं दिख रहा है, वहां पर कोई पॉलिटिकल पिलर हमको वहाँ स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। आप केरला में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, आप तमिलनाडु में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पैरेलल लेकिन आपको यूपी में ट्राई करना है। चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्लेरिफिकेशन है कि द थिंग ने इस पर कमेंट किया था। सभी साथियों को जय भीम। जय भीम, क्या मेरा आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी आ रही है। ठीक है, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और मेरे साथ है संदीप आनंद मेरे मिस्टर, और हम दोनों मिलकर एक ये जो द थिंक है इस यूट्यूब चैनल को हम रन कर रहे हैं। और थैंक्स टू द शुद्रा की पिछले जो मीट हुआ था पिछले साल, उस मीट से ही हमने भी कुछ इंस्पिरेशन लिया और हमने वहां से ही शुरू किया कि हमको भी लगा कि हम भी ये चीज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं दोनों भी, और हम लोग मैं खुद बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मैं उसका एक जिम्मेदार पद पर मैं काम करती हूँ। तो सोशलिज्म में हम लोग पहले से काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में मैं यही बताना चाहूंगी, ज्यादातर मुझे कोई क्वेश्चन तो है नहीं, हालांकि अगर कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो हम अंजुल भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऐसा है कि जैसे द थिंक हमारे इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो हमने जिस प्रकार मान्यवर कांशीराम साहब ने 108 109 महापुरुषों का इंट्रोड्यूस किया, बहुजन समाज को बताया कि देश के अंदर अलग अलग तबके से अलग अलग जाति से अलग अलग कम्युनिटी से महापुरुषों का निर्माण हुआ है, जन्म हुए हैं, और उन्होंने इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को चलाया है। तो इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को चलाने वाले तमाम महापुरुषों को इस देश की व्यवस्था ने कहो या हिस्टोरिकल व्यवस्था कहो या एकेडमिक जो सिस्टम रहा, जो मनुवादी विचारधारा या मनुवादी आइडियोलॉजी पर चला, उन्होंने कभी बताने की कोशिश नहीं की। तो ऐसे में हमको लगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कांशीराम साहब ने किया, तो हम उसे डिजिटली कहिए या फिर यूट्यूब के माध्यम से हम महापुरुषों के इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को हम बता सके। और दूसरी बात, समाज को जो है वो एक कंफ्यूज करने का काम जो है वो मनुवादी मीडिया के तरफ से हमेशा से होते आया है। वहीं बहुजनों के समस्या को या फिर बहुजनों की स्थिति को कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। तो ये एक हमारा उद्देश्य रहा कि जिन चीजों को जिन खबरों को मनुवादी मीडिया या मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दिखाना चाहता या नहीं दिखा रहा है, तो उनको एक जगह देना और उन्हें जिस प्रकार वो अपनी आइडियोलॉजी से उस चीज को प्रेजेंट करते हैं, तो हमने भी उसे सोचा कि उसे हम उसकी जो दूसरी बाजू है, दूसरा साइड क्या होगा, उस तरीके से हमने उसे प्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है। और एक और बात है, जैसे कि बहुजन समाज का सामाजिक हो, रिलीजियस हो या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट हो, ये तीनों मूवमेंट को हम चाहते, मतलब हम इस चैनल के माध्यम से हमने उसे रन करने की कोशिश की कि समाज तक एक क्लियर मैसेज जाए विदाउट एनी कंफ्यूजन कि सोशल मूवमेंट क्या है, रिलीजियस मूवमेंट कैसा है, पॉलिटिकल मूवमेंट में आपकी कितनी क्लियरिटी, कैसे क्लियरिटी होनी चाहिए, वो तमाम चीजों को हमने रखने की कोशिश की है। और इसी प्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया को हम हमेशा टारगेट करते रहे हैं, और बाकी आप तमाम सारे लोगों को हम फॉलो करते हैं, वहां से भी काफी सारी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। बस एक बीच में मैंने एक ट्वीट करके दर्शुद्रा को काउंटर टारगेट मैंने किया था कि आपने जिन गेस्ट को बुलाया है उन गेस्ट को लेकर मैंने एक ट्वीट किया था। तो ये भी मेरा एक ऑब्जेक्शनल नहीं बोल सकते, लेकिन ये मेरी आइडियोलॉजी की क्लियरिटी है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि समाज में पैरेलल लीडरशिप कितनी खतरनाक होती है। मतलब अगर आपको पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट चाहिए या फिर स्टैंड होना है, तो आप राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी जहां पर कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड हमको नहीं दिख रहा है, वहां पर कोई पॉलिटिकल पिलर हमको वहां स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, आप केरला में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, आप तमिलनाडु में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पैरेलल लेकिन आपको यूपी में ट्राई करना है। लेकिन साथ ही उसमें लेट मी इंटरवीन, प्लीज डोंट माइंड,
हम बहुजन जो मीडिया है, हम किसकी खबरें चलाते हैं? हम अपने बहुजन नेताओं की, चाहे वो नेता आप उसको माने या ना माने, आपका व्यक्तिगत जिम्मा हो सकता है आप उसको माने या ना माने, और जो बहुजन समाज की सेलिब्रिटी है, हम उन्हीं की खबरें बना के ही सारे दिन अपने यूट्यूब पे चलाते हैं। तो अब सर, मेरा इस पर ये कहना है, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं था, हमने बीएसपी से अशोक सिद्धार्थ को भी बुलाया, अंजुल वो बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं आए, और चंद्रशेखर रहे, रमेश तेटे रहे, बल्कि मैंने गिनी माही को भी इनवाइट किया था, गिनी माही ने कंफर्मेशन नहीं दिया बिकॉज ही वाज बिजी विद समथिंग। तो हम तो ये एक पब्लिक फोरम है लाइक, और इट्स लाइक ए फैमिली इवेंट, ये भी ठीक है, लेकिन देखिए जिस जिन चीजों को मनुवादी मीडिया ऑलरेडी उन्हें जगह दे रहा है, मतलब मुझे लगता है दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, राइट? वो आपकी पर्सनल चॉइस, हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए बताना चाहूंगा, यहाँ पर कमेंट करना क्लेरिफिकेशन है कि द थिंग ने इस पर कमेंट किया था, तो ये मैं क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ कि हम, हमारे चैनल का यह उद्देश्य है कि हम किसी भी प्रकार से, मेरे चैनल का, मैं द थिंग का बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि समाज किसी भी तरह के से अपने लीडर को पहचानने के लिए कंफ्यूज हो जाए, समझ में, मतलब आपने हमको मौका दिया, काफी कुछ सीखने को मिला, और हम आपके साथ तो लगातार फॉलो आपको कर रहे हैं और बने हुए हैं, आपके व्यूअर है तमाम सारे जो बहुजन मीडिया है, नहीं इस पे कोई तारीफ करे उसकी बुराई करे और कोई ये हमारा मकसद नहीं है, ये हमारा उस पे प्लीज अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, ऑलरेडी बहुत लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, और यूट्यूब से जुड़े हुए आयोजन और रहेंगे तो हम ज्यादा, बहुत सारी आवाजें लोगों। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।